बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 7 वीर अब्दुल हामिद का हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। दिस इज द स्टोरी of a brave soldier named Abdul Hamid। ये कहानी एक वीर सिपाही अब्दुल हामिद की है। ब्रेव मतलब वीर होता है बच्चों, बहादुर होता है। सोल्जर मतलब सिपाही यानी सैनिक, और नाम क्या है उनका, अब्दुल हामिद। तो ये जो कहानी है, स्टोरी मतलब कहानी, यह कहानी वीर सिपाही अब्दुल हामिद की है। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ये क्या थे, ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। यह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर, ये बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1965 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में लड़े थे। फॉट मतलब लड़े थे और वार मतलब युद्ध। अब्दुल हामिद वाज बॉर्न इन द धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन द मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हामिद का जन्म धामपुर विलेज यानी धामपुर गांव में हुआ था। और धामपुर गांव कहाँ पे है बच्चों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामपुर गांव में हुआ था अब्दुल हामिद जी का जन्म। 1 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था। और एक मुस्लिम फैमिली में, इन्हें मुस्लिम फैमिली यानी एक मुस्लिम परिवार में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, यानी इनकी माता का नाम सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान इनके पिता का नाम था। तो सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामपुर गांव में अब्दुल हामिद जी का जन्म हुआ था। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 के युद्ध, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में यह कैसे हीरो बने, क्या आप जानना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे, हाउ ही बिकेम द हीरो, ये कैसे हीरो बने 1965 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में। इट वॉज़ द अर्ली मॉर्निंग ऑफ द 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की भोर थी, यानी कि 1965 के सुबह थी, भोर थी। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था, लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटोन टैंक वाज मार्चिंग ऑन दी पैटोन टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन दी भिखीविंड अमृतसर रोड इन खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तानी टुकड़ी और पैटोन टैंक की पाकिस्तानी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी भिखीविंड अमृतसर रोड पर, और जो कि कहाँ पे है, इन दी खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। खेमकरन सेक्टर इंडिया के खेमकरन सेक्टर के भिखीविंड अमृतसर रोड पर एक पाकिस्तानी टुकड़ी, पैटोन टैंक की पाकिस्तानी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। ये
चीमा विलेज तक पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है नहीं था, मतलब बाज मतलब था, ये गांव जो था भारत पाकिस्तान सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में युद्ध जो है चल रहा था, कब से चल रहा था, सिंस सितंबर 6, 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था इस सेक्टर में। हेयर हवलदार अब्दुल हामिद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद और सैनिक, जो सैनिक किसके थे, 4 ग्रेनेडियर कंपनी के और सैनिक इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए, फेस मतलब सामना करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप। ब्रेव जो बहादुर अब्दुल हामिद जो थे वो सीट में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, इनके पास एक विशेष गन थी। द पैटोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पैटोन टैंक्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी के, वो इनसे बहुत दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ ही वांटेड टू। यदि ये चाहते तो ये टैंक्स को हिट कर सकते थे, यानी कि उनको गोली मार सकते थे। ही वाज़ ए गुड शॉट, यानी कि एक अच्छे निशानेबाज थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन ये अपने शॉट्स को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, निशानों को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, ये अपने हर एक वार से, हर एक निशाने से टैंक्स को नष्ट करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी जो टैंक्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, यानी शक्तिशाली थे, और डेंजरस यानी कि खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियर एंड नियर, ये पास और पास, वे और पास आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, ये वे आग उगल रहे थे लगातार। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हामिद आगे बढ़े। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गेम, उन्होंने अपनी गन को घुमाया। एंड फायर्ड ए शॉट, और एक गोली चला दी, चलाई। द टैंक कॉट फायर, टैंक ने आग पकड़ ली। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और वो जो वो ध्वस्त हो गया, यानी कि वो जल के ध्वस्त हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी। अब्दुल हामिद की कंपनी के सारे सैनिक बहुत खुश थे। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक ही उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, उन्होंने फिर एक गोली चलाई, एक शॉट चलाया। एंड इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और वह टैंक भी ध्वस्त हो गया, यानी कि आग से, आग में जलने लगा। फोर मोर टैंक्स वर सीन, चार और टैंक देखे गए। पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी अब्दुल हामिद की कंपनी को अटैक करना चाहते थे, यानी कि आक्रमण करना चाहते थे और मारना चाहते थे अब्दुल हामिद को, यानी किल हिम, उनको मारना चाहते थे। ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि अब्दुल हामिद ने उनके टैंक को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह उनका सबसे बड़ा शत्रु था, एनिमी था। दे टर्न्ड द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम, उन्होंने टैंक की गनों को उसकी तरफ घुमाया। टर्न मतलब टुवर्ड्स हिम, घुमाया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो क्या कर पाते, गोली चला पाते, अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी नष्ट कर दिया, हिट कर दिया। एंड देयर इट वेंट, और यह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और इट कॉट फायर, इसने भी आग पकड़ ली।
फ्लेम्स वर राइजिंग अप इनटू द स्काई, इसकी जो ज्वाला थी, जो आग की लपटें थी, वो आसमान तक जा रही थी, उठ रही थी, राइजिंग मतलब उठ रही थी। व्हाट अलास, लेकिन दुख की बात है, वन सेल ऑफ एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन बारूद के एक गोले ने उनकी जीप को हिट किया, यानी कि उनकी जीप से टकराया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर जो हीरो था वो नीचे गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, यानी कि वह पूरी तरह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। यट ही डिड नॉट लूज हर्ट, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। लूज हर्ट मतलब हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, लड़ो। दे ओवेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, उन्होंने उनके ऑर्डर को यानी उनके आदेश को माना और बहुत बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, कुछ और टैंक जो थे दुश्मनों के नष्ट कर दिए गए थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड, पाकिस्तानी सोल्जर जो थे, सैनिक थे, वो डर गए थे और एंड फ्लैड और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, ये बहादुर सैनिक, भारतीय सैनिक अपने देश के लिए मर गया, शहीद हो गया। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट्यूमसली, यानी कि मृत्यु के पश्चात इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अवार्डेड मतलब पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, यानी कि इनको हमेशा सम्मानित किया जाएगा। एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज अ ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तानी 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के सबसे बहादुर हीरो के रूप में हमारे देश के लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। पीपल ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। ही मतलब यहाँ पे ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, यानी कि इनको सम्मानित किया जाएगा, एंड रिमेम्बर्ड यानी याद किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज अ ब्रेवेस्ट हीरो, यानी कि एक सबसे बहादुर सिपाही की या हीरो की तरह। कौन से वार के, 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी 1965 के युद्ध, 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में इनको हमारे देश के लोगों के द्वारा सबसे बहादुर हीरो के रूप में याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, इनके नाम पर इनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया है। ठीक है, तो ये बच्चों था हिंदी अनुवाद अब्दुल हामिद का, और यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी आप लोगों ने देखे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। रेजिमेंट जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी, उसको सैनिक टुकड़ी को रेजिमेंट कहते हैं। ग्रेनेडियर क्या होता है, हथगोला होता है, फेंकने वाले सिपाही, हथगोला फेंकने वाले सिपाहियों को ग्रेनेडियर कहा जाता है। तो ये ग्रेनेडियर थे अब्दुल हामिद, इन्होंने हथगोले फेंके थे। कंपनी का मतलब होता है सैनिकों का दल, और हवलदार का मतलब होता है थल सेना का एक पद होता है, तो हवलदार थे ये। कंटिन्यूली का मतलब होता है लगातार, और वुंडेड का मतलब होता है घायल और जख्मी, वो घायल हो गए थे अब्दुल हामिद जी जब उनको एक हथगोला लगा था। और पॉजिटिव मसली का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात, इनको मृत्यु के पश्चात जो है
कौन से चक्र से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये थे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।